बुरहानपुर जिले के सेक्टर डायफोडिया की सभी आशा कार्यकर्ताएं अपनी प्रोत्साहन राशि को तरस रही हैं। दिवाली जैसा त्योहार सिर पर होने के बावजूद उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। बता दें कि बुरहानपुर जिले में आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक ओर जहां आशा कार्यकर्ताएं अपने कार्य को मेहनत और शिद्दत से करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन सबके बाद भी उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती, जबकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ही द्वारा इन्हें बजट राशि भेजी जाती है, लेकिन अधिकारी इन्हें बजट ना होने की बात कहकर टाल देते हैं। यही नहीं, दीपावली जैसा त्योहार सिर पर होने के बावजूद भी इन्हें समय पर वेतन नहीं मिला है। ऐसे में वेतन की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। सर, हम स्वास्थ्य विभाग से है, आशा कार्यकर्ता डोईफोड़िया सेक्टर से आए हैं। सर, हमारी हर बार पेमेंट की समस्या रहती है, जैसे कि इस बार भी सर अक्टूबर माह में हमारे से बोला गया कि 15 तारीख को हमारे से बाउचर लिया गया कि त्योहार है तो आप लोगों का पेमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाउचर हमने समय पे जमा करवा दिया, उसके बाद भी हमारा पेमेंट, दीपावली भी हो गया है, दीपावली जैसा बड़ा त्योहार हो गया है और हमारे पेमेंट अभी तक भी नहीं आए हैं सर। तो सर क्या मतलब में आ रहे सर, हम इतने काम करते हैं आशा जबकि हमारा पैसा किसी काम में नहीं आ रहा है सर। एक साल से रुका है पेमेंट, तो वैसे भी टुकड़ों में डलते हैं सर, जैसे कि हमारे 10,000 का बाउचर बनता है तो उसमें से 4-5 हजार रुपए डाल दिए जाते हैं सर हर महीने का। सर वही समस्या, और अधिकारियों से पूछने जाए सर हमारे पेमेंट मतलब ऐसे क्यों डलते हैं, तो बोले बजट नहीं आया, ऊपर से हमेशा बजट ही नहीं रहता है सर। बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बजट रहता है, किसी के 1 लाख रुपए पेमेंट रहते हैं, किसी के 80 हजार रुपए, 90 हजार रुपए, तो सर हमारे 8-10 हजार रुपए के लिए सरकार के पास सर हमेशा के लिए बजट नहीं रहता है।